देशवासियों एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोविड से सुरक्षा को लेकर जनता दल यूनियन नेताओं ने किया हवन। खबर है पूर्वी चंपारण जिले से, जहां मोतिहारी शहर में जनता दल यूनियन नेताओं ने नरसिंह बाबा मंदिर परिसर एवं साईं बाबा मंदिर कदम घाट में देशवासियों को कोविड महामारी से सुरक्षा के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोविड से जल्द स्वस्थ एवं दीर्घायु लाभ के लिए जनता दल यूनियन प्रदेश नेता अमरेंद्र सिंह, जनता दल यूनियन व्यवसाय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ब्रिजमोहन गुप्ता, रंजन भारती, विजय प्रसाद, संजीव कुमार आदि ने हवन किया। वहीं साईं बाबा मंदिर कदम घाट में बबन कुशवाहा, अरविंद श्रीवास्तव एवं आचार्य वीरेंद्र परासर के द्वारा हवन पूजा कार्य संपन्न किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों में अमृत कुमार, दिनेश गुप्ता, शारदा कुमारी, गौरी प्रसाद, मनोज कुमार आदि लोग उपस्थित थे। लाइव 24 न्यूज से सिद्धांत गुप्ता की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण में जो कोरोना से ग्रसित लोग हैं उनके लिए और बिहार के आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य कामना के लिए आज हम लोग प्रदेश के सचिव अमरिंदर सिंह जी, यहाँ पर हमारे बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता रंजन भारती जी, ब्रिजमोहन गुप्ता जी, विजय जी, संजीव जी, सभी साथियों ने आज पूर्वी चंपारण में जो अभी कोरोना का जो प्रकोप है वो कम हो, इसके लिए हम लोगों ने आज अग्नि के समक्ष हवन किया और आदरणीय नेता नीतीश कुमार को जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए हम लोग कामना किया पूर्वी चंपारण के तमाम जनता दलियों के साथियों ने। और आज नरसिंह बाबा के मंदिर में हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग के नेता नीतीश कुमार बहुत जल्द स्वस्थ होकर हम लोग के बीच आएंगे, इसी 9 वर्ष में यही कामना के साथ। जय हिंद। ब्रिजमोहन कुमार गुप्ता, जदयू जिला अध्यक्ष, टेडर्स प्रकोष्ठ, पूर्वी चंपारण। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जल्द स्वस्थ होने के लिए जनता दल यूनाइटेड के साथियों के साथ नरसिंह बाबा मंदिर में हवन किया गया, जो पूरी जनता को कोरोना से बचाने के लिए, और जितने जनप्रतिनिधि हैं और जनता है सभी को कोरोना से बचाव के लिए हवन किया गया नरसिंह बाबा का। और यहां से हम लोग सभी लोगों के सकुशल कामना के लिए, सभी लोगों के स्वस्थ रहने के लिए, आजकल जो महामारी चली हुई है आप सब उससे वाकिफ हैं, यानी जनता के लिए भी, जनता के प्रतिनिधियों के लिए भी, और जो बिहार के मुखिया हैं जो अभी संक्रमण से ग्रसित हो गए हैं उससे भी स्वस्थ रहने के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए और सभी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए नए वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ ये हम लोगों ने आज हवन किया है और मंगलमय कामना करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें और आने वाला वर्ष मंगलमय और बेहतर। हम सब लोग ऐसे तो जनता दल यूनाइटेड के सभी साथीगण हैं और ये जो हम लोगों ने हवन किया है ये सबके मंगलमय के लिए, सबके स्वस्थ रहने के लिए ये कामना हम लोगों ने किया है नरसिंह बाबा के स्थल से।